हाय, मेरा नाम है श्रेयांश। और कैसे हो आप लोग? मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने शटरफ्लो के एक वेब ऐप वाली वीडियो में। जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने मेनू बार बनाया था और एनिमेशन डाले थे मेनू के लिए, लेकिन डैशबोर्ड उतना अच्छा लग नहीं रहा था। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग जो डैशबोर्ड है उसे रीडिज़ाइन करेंगे। मतलब ये बना है उसको रीडिज़ाइन करेंगे। इसमें कई सारे ब्लॉक्स ऐड करेंगे, जैसे योर कोर्सेज को और अच्छा करेंगे, असाइनमेंट डालेंगे और कॉमेडी सेक्शन भी डालेंगे। और ये भी काफ़ी ब्लॉक्स में होगा, मतलब अराउंड 2 ब्लॉक्स इसके अंदर करूँगा मैं। तो ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है। तो आप अगर वीडियो में बने रहते हो तो आप अच्छी तरह समझ जाओगे किस तरह से वेब डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से रो को डिवाइड करते हैं कई सारे ब्लॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दो। और जितने भी दोस्त हैं आपके, फ्रेंड सर्कल है, या जो लोग भी बिना कोड किए ऐप बनाना चाहते हैं, वो एक बार मेरी वीडियो देखें। अगर उनको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं उनसे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से डिज़ाइन थी हमारी, लेकिन मैंने इसको चेंज किया था, तो स्नैपशॉट मैं हटाता हूँ इसका और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, वो हमारी पुरानी डिज़ाइन थी और ये नई वाली डिज़ाइन है। मतलब अभी यहाँ पे कुछ मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, तो चलो यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कॉलम। कॉलम किस लिए? क्योंकि मुझे स्क्रॉल कराना है। ठीक है, जो इसके अंदर रहेगा वो उसको स्क्रॉल कराना है, इसलिए मैं कॉलम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और ले लेता हूँ यहाँ पे रो। और जब ये रो मिल गया है मेरे को, तो मैं एक बार जाता हूँ इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। वैसे ये एक्सपेंड नहीं होगा क्योंकि कॉलम भी हमने अभी एक्सपेंड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आते हैं कॉलम में, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब जब हम लोग रो को एक्सपेंड करेंगे तो रो भी आपका एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कॉलम एक्सपेंड कर लिया, रो एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे हम उसको डिवाइड करते हैं अपने इस एरिया को, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कॉलम लेते हैं, यहाँ रखते हैं, और ये वाला कॉलम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया आपका 2 पार्ट में डिवाइड। अगर आप एक और पार्ट चाहते हो तो इसको डुप्लीकेट कर दो, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप कुछ इस तरह से बनाना चाहते हो, जैसे आपका यूट्यूब स्टूडियो का होता है, मतलब मैं दिखा देता हूँ एक बार, जैसे इस तरह डिज़ाइन होती है आपकी, जो इस तरह का कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहते हो आप, तो उसके लिए आप इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम लोग फिलहाल में 2 ही रखते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इसमें आता हूँ, इसमें हम लोग माई कोर्सेस का डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और एक रो ले लेता हूँ यहाँ से। रो लेने के बाद यहाँ पे मैं 10 पैडिंग देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट इंटर करता हूँ इसमें। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, करता हूँ टाइटल, तो थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो इससे मुझे सही दिखेगा ये। हाँ, यहाँ पे करते हैं माई कोर्सेज। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो बिना रो का भी यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि डिज़ाइन में दिक्कत ना हो मुझे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं कभी इधर या ऐसे ही वाला, मतलब अलाइनमेंट चूज़ करता हूँ क्रॉस एक्सिस का, तो डिज़ाइन चेंज हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर रो ही प्रीफर करता हूँ, रो के अंदर टेक्स्ट को रखना। जैसे मन करे मैं वैसे इसको कर सकता हूँ। जैसे मुझे मान लो यहाँ पे करना है तो यहाँ पे हो जाएगा, मुझे इंटायर डिज़ाइन नहीं चेंज करना पड़ेगा कॉलम का। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग रो के अंदर ही टेक्स्ट रखा करो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल में रखना हो। यहाँ पे माई कोर्सेज का हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसमें कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं कॉमेडी सेक्शन का भी डाल देता हूँ। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, और उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रहेगा कम्युनिटी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके अंदर डालते हैं एक पेज व्यू। इधर आ जा भाई तू। हाँ, पेज व्यू करते हैं इसको। पेज व्यू यहाँ रखेंगे, और जो आपका पेज व्यू है ना, वो पूरे में एक्सपेंड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं, पेज व्यू हटाते हैं यहाँ से। एक काम करता हूँ, पेज व्यू हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं रैप। रैप के अंदर मैं अगर पेज व्यू रखता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक इसने स्पेस ले लिया है, और मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर सकता और ज़्यादा,
अगर इसको आप एक्सपेंड कराना चाहते हो तो इसको आप कंटेनर में रख दो। मैं इसको डिलीट करता हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको। ये आपका पेज भी बना, इसको अगर आप रैप कर दो, इसको रैप करो कंटेनर में, तो ये पेज भी आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अगर चाहते हो कि आप जो कंटेनर है उसका हाइट ना बढ़े, तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन नहीं देगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एक्सपेंशन वाला, क्योंकि इसके अंदर पेज भी लगा हुआ है तो वो मैटर नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है। ये पेज भी हो गया आपका, और कंटेनर में आते हैं। ये कंटेनर रहा आपका, एक और कंटेनर, नहीं यही सेम कंटेनर है, तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो, इतना बड़ा मैं लेता हूँ साइज में इसको, और पैडिंग दे देता हूँ इसको 10 की सभी साइड से, ठीक है। ये हो गई इसकी पैडिंग, थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ इसका मैं, और इसको इधर करते हैं यहाँ पे, इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, कंटेनर, पेज व्यू के अंदर कंटेनर रखते हैं। और अगर आप चाहो कंटेनर को वो एलिवेशन टाइप का दे सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप अगर कंटेनर को एलिवेशन देना ही है तो आप इस वाले कंटेनर को दे दो, काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 की एलिवेशन दे दूँ, तो ये देखो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ये, ठीक है। इस वाले कंटेनर जब आप दे दिए हो, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसको, और बॉर्डर रेडियस जो है इसका उसको सही कर देता हूँ। 20 कर दिया यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं, जो ये कंटेनर है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको नहीं ये वाला नहीं, ये वाला जो कंटेनर है, एक मिनट, कौन सा कंटेनर है, कंटेनर ये, इसका बॉर्डर रेडियस दिया था उन्हें, क्लिप कंटेंट कर देते हैं। तो जो ये कंटेंट ये कंटेनर रहेगा, अब सभी साइड से बॉर्डर आ गया, देखो आप ये भी बॉर्डर आ गया इधर से, और ये भी बॉर्डर आ गया है। क्लिप कंटेंट का मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या होता है, मैंने उसे पहली वीडियोस में बताई हुई बताया हुआ है आपको। क्लिप कंटेंट का मतलब होता है कि जब भी आपका कोई पेरेंट विजिट है, अगर उसका थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस डालना है आपको उसमें, तो जो भी उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट रहेगा उसके बॉर्डर रेडियस में ही आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, मतलब ओवरफ्लो नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया दिखाया आपको कि कंटेनर जो है हमारा ओवरफ्लो कर रहा था, मतलब जो आपका पेरेंट कंटेनर है उसमें बॉर्डर रेडियस था, लेकिन जो आपका चाइल्ड कंटेनर है उसमें बॉर्डर रेडियस नहीं था, इसलिए वो ओवरफ्लो कर रहा था। तो उसी चीज़ को आप प्रिवेंट करने के लिए बॉर्डर रेडियस जब भी लगाओ तो क्लिप कंटेंट ऑन कर दो, जिससे कि जो चाइल्ड एलिमेंट होगा आपका वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। जैसे मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कंटेनर, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ पेरेंट कंटेनर, ठीक है। ये आपका पेरेंट कंटेनर हो गया, ये पेरेंट कंटेनर है, और इसके अंदर जो है आपका वो चाइल्ड कंटेनर है, ठीक। इसको मैं कर देता हूँ चाइल्ड कंटेनर, ये हो गया आपका चाइल्ड कंटेनर, ठीक। अब जो आपका पेरेंट कंटेनर है, ये वाला कंटेनर, अगर मैं इसका क्लिप कंटेंट ऑन कर दूँ, ठीक है, और इस वाले का मैं ऑफ कर देता हूँ, ये वाला, एक मिनट कहाँ गया इसका रेडियस, एक मिनट, पेरेंट कंटेनर भाई तू कहाँ है, इसको बंद करो पहले, और कंटेनर, ठीक है, इसका मैं क्लिप कंटेनर बंद कर दूँ, एक मिनट, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे कंटेनर आ गए हैं क्या इसमें, फुल स्क्रीन कंटेनर, नहीं, ये वाला चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली चीज़ कहाँ पे थी, पेरेंट कंटेनर, ठीक है, ये पेरेंट कंटेनर आपका ये है पूरा, उसके अंदर एक कंटेनर लगा हुआ है, उसके अंदर पेज व्यू है, अच्छा समझ गया समझ गया, एक मिनट, पेरेंट कंटेनर इसको हटाता हूँ मैं, ये कंटेनर जो है इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ, रिमूव विजिट, तो चाइल्ड कंटेनर बचेगा, उसके बाद ये पेरेंट कंटेनर बचेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दिया था, तो इसको मैं अगर 20 करता हूँ बॉर्डर रेडियस इसकी, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस पर, जो कंटेनर है आपका ये वाला पेरेंट कंटेनर पे, क्योंकि वो पेज व्यू में है तो उसमें कोई फ़ायदा हम लोग को है ही करने का। फिर से हम लोग अपना चाइल्ड कंटेनर और पेरेंट कंटेनर जो भी बनाए थे उसको लेके आते हैं। ये कंटेनर है, ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ पेरेंट कंटेनर, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये जो कंटेनर है इसका नाम रहेगा पेरेंट कंटेनर, पेरेंट कंटेनर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी यार।
और चलो इसको देखो आप, जो आपका ये पेरेंट कंटेनर था ठीक है, इसको मैं अगर क्लिप कंटेंट बंद कर दूं इसका, तो ये देखो ओवरफ्लो करेगा। इसको बंद हो जा भाई, बंद कर दिया तो ये देखो ओवरफ्लो हो रहा है ना, मतलब ये बाहर जा रहा है। आप ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, मतलब दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर दे दूँ इसका, इसका मैं बॉर्डर कलर डाल देता हूँ अगर, ये अब देखो ये ओवरफ्लो होके ये बाहर जा रहा है, और इसमें वो रेडियस का जो चीज़ है वो दिख नहीं रहा है। तो इसी के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से पेरेंट कंटेनर में आओ और क्लिप कंटेंट को ऑन कर दो ठीक है। जैसे ही क्लिप कंटेंट ऑन होगा वैसे ही ये आपका उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अभी देखो ये यहाँ से कलर गायब हो गया है, तो इसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, या तो आप इसका क्लिप कंटेंट ऑन कर दो ठीक है, या तो एक काम करो, जितने का रेडियस आपने इसमें दिया हुआ था, जो पैरेंट पैरेंट में दिया हुआ था आपने, उतने का ही रेडियस आप यहाँ पे दे दो। इससे क्या होगा कि आपका जो ये कंटेनर है वो भी उसी रेडियस में आ जाएगा, और जो बॉर्डर कलर होगा वो भी आपको सही दिखेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि क्लिप कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको एक ऐसा विजेट डालना है जिसके पास बॉर्डर रेडियस हो, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा चाइल्ड हो, और आप उनको ओवरफ्लो नहीं कराना चाहते हो, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कमांड जेड करता हूँ ठीक है, मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ हटाता हूँ क्योंकि मुझे डिज़ाइन बनानी है, तो बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे करता हूँ, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हम लोग रो रखते हैं, रो को मैं थोड़ा देता हूँ पैडिंग 10 की ठीक है। ये हो गया आपका रो, इधर इमेज रखते हैं इमेज, ये हो गई आपकी इमेज। इमेज को मैं करता हूँ इस साइड, यहाँ से हम टाइटल इंटर करते हैं। टाइटल को मैं थोड़ा सा इधर करूँगा, मतलब स्पेस दे देता हूँ दोनों साइड में, और इसको मैं काम करता हूँ रैप करता हूँ कॉलम के अंदर, क्योंकि हमें टाइटल और सब टाइटल दोनों डालना पड़ेगा। और ये जो नॉर्मल है इसको मैं करता हूँ लेबल, 16 कर देता हूँ, इसका कलर जो रहेगा ब्लैक रहेगा। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल जैसे फ्लटर फ्यूज़न, और रोड मैप टू लर्न बेसिक ऑफ फ्लटर, ये हो गया आपका ठीक है। और अगर इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ, अराउंड 22 का करता हूँ, लेकिन ये जो है इधर आ जाएगा, मतलब स्पेसिंग सही नहीं रहेगी इसकी। तो रो को मैं करता हूँ एक काम, यहाँ पे कॉलम को अगर मैक्सिमम साइज़ देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। अभी जब मैक्सिमम साइज़ पा जाएगा तो ये ओवरफ्लो करके बाहर नहीं जाएगा ठीक है। ये हो गया आपका, और एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा ये ख़राब लग रहा है मेरे को। इसके लिए मैं कंटेनर है ना इसका, ये जो रो है इसको मैं कट करता हूँ, और ये आपका कंटेनर लगा हुआ है, यहाँ पे आते हैं पेरेंट कंटेनर मैं हटाता हूँ तो पेज भी हट जाएगा। रुक जाओ इसको इसमें डालता हूँ मैं, ओके ये हटेगा नहीं। और ये आपका पेरेंट कंटेनर है, इसको मैंने एलिवेशन नहीं दिया हुआ है ठीक है। पेरेंट कंटेनर में आता हूँ, इसको मैं एलिवेशन बंद करता हूँ इसके, और फिल कलर जो है नॉर्मल जो प्राइमरी बैकग्राउंड उसे डालते हैं। उसके बाद जो आपका ये वाला कंटेनर है पेज व्यू के अंदर वाला, एक कंटेनर और था आपका पेज व्यू के अंदर वाला, 1 मिनट, पेज भी हो गया, पेरेंट कंटेनर चाइल्ड कंटेनर ठीक है। चाइल्ड कंटेनर हो गया, ये आपका पेरेंट पे आते हैं फिर से, इसका जो है मैं इसको कर देता हूँ बराबर ऐसे कर देता हूँ, और फिर से पेरेंट कंटेनर पे आते हैं, इसके एलिवेशन मैं बंद कर देता हूँ 0, क्लिप कंटेंट भी हटा देता हूँ यहाँ से ठीक है। और ये जो चाइल्ड कंटेनर है आपका, इस पे आते हैं, इसकी मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ 20, इसके एलिवेशन देता हूँ 2,
लेकिन ये अगर ऑन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा, इसलिए मैं इसका अभी ऑन ही कर देता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा यहाँ पे। कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कलर डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रही है। मैं पैडिंग देख के देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पैडिंग के लिए तो सही लग रहा है ये। और पैरेंट कंटेनर में फिर से आते हैं, एलिवेशन 2 डालता हूँ, लेकिन ये तो ख़राब कर देगा यहाँ से। ओके, ये हो गया। हमें बाहर वाले से कोई मतलब है नहीं। चाइल्ड कंटेनर का ही थोड़ा सा देखना होगा, इसको अगर हम लोग 1 करते हैं। चलो ठीक है, ये सही लग रहा है। ठीक है, अगर मैं कंटेनर में कंटेनर का साइज़ बढ़ाऊंगा तभी ये साइज़ की बढ़ेगी, नहीं तो ये साइज़ नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट करता हूँ एक बार। डुप्लीकेट करने के लिए नीचे आते हैं। देखिए, कॉपी पेस्ट कर भाई। हाँ, पेस्ट हो गया। ठीक है, इसमें आते हैं और इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल में। काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गया है, 14। वैसे एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है फ्लटर फ्लो। रिफ़्रेश करके मैं फिर से इस पे आता हूँ। इसको मैं करता हूँ इस साइड। ठीक है, इधर आते हैं, 16 करता हूँ इसको। देन इसकी स्पेसिंग देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये स्पेसिंग हो गया। और इसमें मैं डालता हूँ अ कोर्स फॉर न्यू न्यू मेंबर जॉइनिंग द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं अगर काम कर दूं और इसको कर देता हूं ब्लैक। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर एक बटन लगाते हैं हम लोग। ये बटन रहेगी यहाँ पे, ये बटन रहेगी आपके। इसमें लिखते हैं प्ले, आइकॉन भी भाई प्ले प्ले वाला रहेगा, प्ले वाला आइकॉन डाल देते हैं यहाँ से, ये वाला। ठीक है, इसको मैं अगर इधर कर दूंगा तो यही इशू आता है जब भी मैं टेक्स्ट डालता हूँ कॉलम के अंदर सीधे। अब जैसे मान लो मुझे इसको इधर करना था तो ये भी चीज़ यहाँ पे आ गई, इसलिए मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ आप लोग इसको रैप कर दो रो में। ठीक है, अब इसको अगर आप इधर करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन उधर करने का ख़राब लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। और इसको अगर मैं बड़ा कर दूँ कंटेनर को, ये सही लग रहा है। यहाँ पे मुझे रेटिंग भी डालनी है तो रेटिंग बाहर ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, रेटिंग बार हो गया। रेटिंग बार का जो आइकॉन साइज उसको मैं छोटा करता हूँ, 20 नहीं 30, 20। ठीक है, हो गया। उसके बाद इस चीज़ को जो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, उसको मैं इस साइड कर देता हूँ, मतलब बीच में कर देता हूँ। ये आपके आ गया बीच में। और अगर मैं इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दूँ, ये जो आपका कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर है कहाँ गया यार, ये वाला चाइल्ड कंटेनर, कॉपी करता हूँ और एक नया पेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड पेज मैं हटाते हैं यहाँ से, ये करता हूँ। 2 पेज ऐड हो गया और एक और पेज ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, 3 पेज ऐड हो गया और ये कुछ इस तरह से स्क्रॉल हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा ये। मैं उसका प्रीव्यू करता हूँ, ये देखो आप, कुछ इस तरह से चलेगा, ये देखो। ठीक है, आप फिर से वापस आते हैं यहाँ पे, इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं कम्युनिटी का सेक्शन। ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कंटेनर लेना पड़ेगा। इसको इधर करता हूँ मैं और इसको लाता हूँ नीचे, करीब करीब इतना बड़ा। ठीक है, इतना बड़ा सही लग रहा है वैसे।
इतना बड़ा सही है ना। हाँ 10 करते हैं और इसको भी 10 कर देते हैं, यहाँ से स्पेसिंग थोड़ा सा हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसको मैं इधर कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि जो आपकी ये हाइट है ना वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अगर आप इसको कर दोगे तो ये टोटल हाइट ले लेगा जितना आपका कॉलम जाएगा। मैं एक बार इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं इस पे आता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ, ये देखो आप, ये क्या किया इसने, जितनी हाइट थी कॉलम की या जितनी एक्सपेंड होगी हाइट कॉलम की उतनी हाइट ले लेगा ये। इसलिए सिंपली आप इसको कर दो कि जहाँ तक इसकी हाइट है बस वहीं तक रहे, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका कॉलम कितना एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको ऐसे हो गया, इसका मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ 20 का, 2 की एलिवेशन रहेगी। इसके अंदर आते हैं और ले लेते हैं कॉलम, कॉलम के अंदर रो रहेगा, रो को मैं कर देता हूँ सबसे नीचे। यहाँ पे देता हूँ 10 की पैडिंग, मैं 10 की पैडिंग सभी साइड से। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड रहेगी यहाँ पे, ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड को मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, और आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन में मैं कलर दे देता हूँ इसको, आउटलाइन है बॉर्डर कलर दे देता हूँ ऐसा। और लेबल कलर जो है आपका, उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, राइट, ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इनिशियल वैल्यू कुछ भी डालता हूँ तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। इसमें मैं लेबल हियर, ठीक है, यहाँ पे मैसेज करता हूँ, मैसेज हिंट वैल्यू डाल देता हूँ राइट, योर मैसेज, ठीक है, ये हो गया। और ये जो रो है आपका, रो के अंदर मैं डालता हूँ आइकॉन, आइकॉन बटन, वैसे ज़्यादा, 1 मिनट सब कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं, आइकॉन बटन दे देते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखता हूँ। आइकॉन बटन की साइज थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ 50, बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं इसको, जिससे ये रहेगा कि इसके बराबर मैच करेगा। लेकिन बॉर्डर रेडियस में अगर 10 डाल दें यहाँ से तो ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक। और आइकॉन साइज इसकी 30 रहे कर देते हैं। आइकॉन कलर आपका वाइट रहेगा, वैसे वाइट गंदा लगेगा इस पर। मैं फिल कलर चेंज करता हूँ, अगर इसको मैं प्राइमरी बैकग्राउंड कर देता हूँ इसका, लेकिन ख़राब लग रहा है ये। वैसे इसका मैं क्या कलर डालूँ, ये डालता हूँ तो नहीं, सिंपल कलर लेते हैं, ज़्यादा ये सब नहीं करना हम लोग को, ये रहेगा, ठीक है। या तो मैं इसको फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से, बॉर्डर कलर भी यही रहने देता हूँ, लेकिन जो आपका आइकॉन कलर, इसको मैं अगर वाइट कर दूँ और आइकॉन में डाल दूँ मैसेज सेंड का, ये मैसेज कर दूँ, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। ये हो गया आपका, ये बटन मतलब ये वाला बन के रेडी मैसेज करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे, यहाँ ले लेते हैं लिस्ट व्यू, ये लिस्ट व्यू हो गई आपकी। लिस्ट व्यू के अंदर रखते हैं हम लोग एक कार्ड। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो पहले। कार्ड और कंटेनर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। हाँ होते तो एक ही जैसे चीज़ें, लेकिन जो आपका कार्ड होता है ना वो थोड़ा सा एडवांस होता है, दिखाता हूँ क्यों। कंटेनर हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और पहले तो बात, तो मैं यहाँ पे जो लिस्ट व्यू है उसको मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ सभी साइड से, ये आपका कंटेनर हो गया, ठीक है। और कंटेनर को मैं करता हूँ थोड़ा सा छोटा यहाँ पे ये, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, एलिवेशन डालते हैं 2 का। और आपको अगर यहाँ पे मैसेज डालना है, ठीक, मैसेज डाल सकते हो यहाँ से आप। वैसे मैं कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम लेने का मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे मैसेज शो करना है, टाइम भी शो कराना है, उसके बाद लाइक आइकॉन शो कराना है, देन रिपोर्ट का आइकॉन शो कराना है, इतनी सारी चीज़ें मैं शो करानी है। तो यहाँ पर मैं कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम के अंदर रखता हूँ रो, रो को मैं देता हूँ एक्सपेंडेबल साइज, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं करता हूँ थोड़ा सा ऊपर, रो को मिलेगी थोड़ा सा पैडिंग, नहीं कॉलम को पैडिंग देता हूँ, रो को फालतू में कॉलम को पैडिंग देता हूँ 10 की, ठीक है, ये हो गया।
यहाँ से अगर मैं इसको टाइप करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको टाइप करते जाऊँ तो ये कहाँ जा रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है, ठीक। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्स करता हूँ कमांड एस, इसको इसी में डालते हैं और इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक, ये हो गया। और इसके अंदर मैं रो लेता हूँ, अच्छा ठीक है, सॉरी, वो मुझे अंदर रो लेना चाहिए था वहाँ पर, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर इसको मैं टाइप करते जाऊँ, ठीक है, तो ये जो है अपने आप हाइट चेंज करता रहेगा अपना। ये मैं इसको कट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड तक ही रखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मैंने वहाँ पे टाइप किया ना उतनी सारी चीज़ें, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें टाइप की थी, अब ये क्या हुआ कि जो आपका नीचे वाला एलिमेंट था वो तो गायब हो गया है, वो आपका साइज़ के बाहर चला गया है, मतलब बॉटम ओवरफ्लो शो करने लगा है 20 पिक्सल का। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने ये लिया था, मैं कॉलम को कॉपी करता हूँ यहाँ से, कट करता हूँ, और इसी को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ, ऐसे रिप्लेस होगा नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ, कार्ड ले लेता हूँ, कार्ड में आने के बाद इस पर करता हूँ, उसके बाद इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखो इसकी जो साइज़ है ना वो अपने आप चेंज होगी, मतलब ये पूरा जो कार्ड है, मतलब एक तरह से कंटेनर ही समझो इसको, ये जो आपका कंटेनर या कार्ड बोलो, मैं यहाँ पे कार्ड ले लेता हूँ, जो आपका ये कार्ड है ना उसकी साइज अपने आप चेंज होगी। मैं दिखाता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, ये देखो ये कार्ड की साइज अपने आप चेंज हो रही है। इससे फायदा क्या होगा कि कितना भी बड़ा मैसेज क्यों ना रहे आपका, वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा इसी कार्ड के अंदर, और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। बॉर्डर एलिवेशन हो गया, ये सारा चीज़ है इसमें। अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिंग दे देता हूँ, अराउंड 10 की हो गया, यहाँ पे हमारा मैसेज रहेगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ फ्लटर फ्यूजन, गेट रेडी फॉर द एक्साइटिंग कोर्सेज दैट आर कमिंग इन द वे, ठीक है। ये मान लो हमारा मैसेज हो गया, ठीक। अब हमें यहाँ पे टाइम शो कराना है, लाइक आइकॉन शो कराना है, तो यहाँ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, पहले रैप डालता हूँ। रैप का एक फ़ायदा होगा कि हमें आइकॉन जो है वो बिखरे बिखरे से नहीं लगेंगे, एक साथ लगेंगे। तो यहाँ पे मैं पहली बार हमको टाइम शो करना, तो टाइम मैं इस साइड शो करूँगा, मतलब लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट डालता हूँ यहाँ पे, और टेक्स्ट के बाद मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को साइड से पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग से एक फ़ायदा रहेगा कि मुझे यहाँ पे आइकॉन भी डालना है। आइकॉन लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ रखता हूँ, और जो इसका क्रॉस एक्सिस है उसको मैं सेंटर कर देता हूँ, तो ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लॉक, मतलब टाइम का है तो टाइम क्लॉक ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, टाइम ले लो आप। यहाँ पे टाइम लेना है तो ये 24 AUGUST August 2023, ठीक है। और थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका ये मैं कलर चेंज करता हूँ, तो थोड़ा सा अलग लगे ये। देन अगर इसकी साइज़ चेंज करनी है तो मैं इसको कर देता हूँ 12। वैसे मैंने ये साइज सही ली या नहीं ली है वो तो देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइज़ सही है इसकी, और 24 है, इसको भी मैं कर देता हूँ 20, सही है काफ़ी। इस पे आते हैं और ये हो गया आपका ये, और इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, देन ये वाला मैं डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लाइक कितने हुए हैं उसे शो करना है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लाइक वाले को ले लेता हूँ, लाइक करना और डिसलाइक वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको हटाते हैं, यहाँ हमें शो करना है नंबर ऑफ लाइक, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2, साइज 13 14, ठीक 14 सही लग रहा है। और इसके अगर मतलब कमांड जेड करते हैं, 1 मिनट, इसकी मैं साइज मतलब सॉरी जो प्लेस है ना उसका थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, देखें ये काम करता है कि शॉर्टकट नहीं काम कर रहा है ये वाला,
नहीं काम कर रहा सॉफ्टवेयर इसका, तो इसको मैं 1 मिनट यहाँ से भी पैडिंग दे देता हूँ, इधर कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, 16 करता हूँ, ठीक है। चलो कुछ तरह से सही लग रहा है, हाँ सही है। अब हमको एक और चीज़ डालनी है यहाँ पे रिपोर्ट करने का, एक काम करते हैं, रिपोर्ट करने वाले का मैं ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ से और इधर कर देते हैं इसको, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, रैप घटाते हैं यहाँ से। सिंपल एक आइकॉन डाल देंगे, आइकॉन हमारा रहेगा किस किस का, हेल्प का या रिपोर्ट का, अगर रहे यहाँ पे रिपोर्ट करने का, ठीक है। ये भी हमारा रहेगा किस तरह से, रेड कलर से ही रहेगा। वैसे रेड कलर सभी में इस्तेमाल करना सही तो नहीं लग रहा है, एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे मैं इसको डार्क, नहीं ये तो खराब लगेगा, कुछ इस तरह से रखूँ अगर, या इसको मैं अगर इस तरह में रखूँ, ये चेंज करके मैं ब्लू कर देता हूँ, इसको ब्लू करता हूँ एक बार, तो ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। इसी को रखते हैं, वैसे हार्ट का आइकॉन जो रहेगा वो तो इसी कलर में रहना चाहिए, कोई बात नहीं। इसको हम लोग और रेड कर देते हैं, मतलब डार्क रेड कर देते हैं। साइज जो इसकी रहेगी वो 20 रहेगी, ठीक है। ये हो गया आपका, एक तरह से ये बन के रेडी। ये वेलोकम नहीं, ये वेलकम है। और इसी से इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट हो गया, ये हो गया आपका डुप्लीकेट। अब ये नीचे जा रहा है, इसके लिए एक काम कर सकते हैं, जो हमारा ये कॉलम लिया था हमने, ये वाला जो कॉलम था, इसको हम लोग फिक्स साइज रखते हैं। तो कमांड जेड करता हूँ मैं एक बार, और जो आपका ये लिस्ट व्यू है, कहाँ गए लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू आपका 1 मिनट, लिस्ट व्यू कहाँ रह गया, नीचे आते हैं लिस्ट व्यू में, कार्ड है ये आपका लिस्ट व्यू है, ठीक है। लिस्ट व्यू पे हम लोग प्राइमरी रखते हैं, और इसी को मैं रैप कर देता हूँ एक रैपर में, ये रैप हो गया। अब ये जो रहेगा इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, और लिस्ट व्यू, ठीक है समझ गए आप, मतलब अब लिस्ट व्यू के अंदर ही ये स्क्रॉल होगा। डुप्लीकेट करते हैं, वैसे अभी ये बाहर जा रहा है। कॉलम में आता हूँ, मिनिमम साइज़, नहीं, मिनिमम साइज़ नहीं काम करेगा, स्क्रॉलेबल ऑन नहीं रहेगा, लेकिन ये दिक्कत करेगा इधर। ओके मैं प्रीव्यू करता हूँ इसको यहाँ से, ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है कि इसको अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, तो हमें पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट। ये जो रैप है, ओके 1 मिनट, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर इसको क्लिप ऑन भी कर दूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तभी ये नीचे ही आएगा। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। मैं रो को हटाता हूँ यहाँ से, और रैप को भी मैं हटा ही देता हूँ, रिमूव विजेट करते हैं यहाँ से, रैप हटाते हैं। जब रैप हट गया तो हमें कॉलम की भी, सॉरी हमें लिस्ट व्यू की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम लोग क्योंकि यहाँ पे नया बना देंगे ना, तो लिस्ट व्यू अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, रिप्लेस रिमूव विजेट करते हैं, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। कॉलम के अंदर मैं थोड़ा सा पैरिंग दे देता हूँ, ऊपर की 10 की और नीचे से 10 की पैरिंग देता हूँ, ठीक है। और ये आपका जो बैकग्राउंड कलर है, इसको प्राइमरी बैकग्राउंड ही रखते हैं। एलिवेशन बंद करता हूँ इसका मैं, एक और मैं यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ, ये कंटेनर यहाँ पे रखते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस साइड, इस तरह से दोनों साइड से मैं पैरिंग देता हूँ इसको, ठीक है। ये काफ़ी सही रहेगा इसके लिए, लेकिन एक और दिक्कत है इसमें, क्योंकि हमें मल्टी लाइन चाहिए ना, तो मल्टी लाइन में इसकी दिक्कत हो सकती है, तो कंटेनर को मैं हटाई देता हूँ यहाँ से, कंटेनर की जगह मैं रखता हूँ कार्ड, कार्ड रखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, कार्ड यहाँ पे रखते हैं हम लोग।
कमांड वी करता हूँ और ये वैसे 10 की पैडिंग ये जरूरी भी होगी यहाँ इसके लिए, और साइड से भी 10 की पैडिंग, ऊपर से 10 की पैडिंग है तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, मल्टी लाइन मैक्सिमम लाइन जो होगी हम लोग कितना भी लिख सकते हैं, वैसे हम लोग को इसको कोई मैक्सिमम लाइन की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम लाइन हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप की साइज़ छोटा बड़ा कर लेगा। और यहाँ पे कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है मेरे को अलग सा वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये मैसेज मैंने डाल दिया, एक बार थोड़ा सा मैं इसका स्पेसिंग जो है ना उसको चेंज करता हूँ, लेटर स्पेसिंग। अगर मैं नहीं, ये नहीं है, लाइन हाइट 2 3 2 सही है। चलो ये तो ठीक हो गया, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, 12 साइज हो गई। मीडियम नहीं, इसको मैं नॉर्मल ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, ये चीज़ लग रही है अलग, तो इसके लिए काम कर सकते हैं सेकेंडरी बैक। अगर मैं प्राइमरी बैकग्राउंड करता हूँ इसका, ये वाइट हो जाएगा, एलिवेशन बंद कर दूँ तो ये उतना सही लगेगा नहीं। तो जैसा था मैं वैसे ही रखता हूँ, अगर बाद में मुझे कोई आइडिया आता है कोई डिज़ाइन का तो मैं उस यहाँ पे उसको चेंज कर दूंगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, राइट योर मैसेज हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा कॉमेडी सेशन बन के तैयार। इसको मैं बंद करता हूँ। अब आते हैं असाइनमेंट वाले चीज़ पे। इसकी मैं डिज़ाइन थोड़ा सा बाद में सोच के आपको बताता हूँ। वैसे ये तो काफ़ी सही लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं एक काम और थोड़ा सा कर दूं इसमें, एक डिवाइडर रख देता हूँ, डिवाइडर यहाँ पे। वैसे ये गंदा लगेगा, हटाओ इसको, नीचे रख दो आप। हाँ, यहाँ रख सकता हूँ, ब्लैक कलर का डिवाइडर मार दो यहाँ पे। ठीक है, फिर डिवाइडर ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है नहीं बगल में। तो 10 का मैं पैरिंग दे देता हूँ यहाँ से, 10, ये भी 10। वैसे नहीं, जाने हटाओ इसको, उसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को वहाँ पे रखने की। यहाँ पे मैं असाइनमेंट वाली में आता हूँ अब, इसको मैं बाद में सोचता हूँ अगर इसको कुछ अलग बना पाऊँ तो। यहाँ पे आते हैं असाइनमेंट में, तो माई असाइनमेंट या माई, हाँ माई असाइनमेंट, माई असाइनमेंट करता हूँ इसको। और ये वाली चीज़ थोड़ा सा दिक्कत करेगी तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, इस वाली चीज़ को जो ये है, इसको मैं अभी इधर करता हूँ। माई असाइनमेंट में आते हैं और यहाँ पे हमें वही सेम चीज़ करना है, लिस्ट व्यू लेना ले लेना है हम लोग को। पहली बात तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे रैप। ठीक है, ये रहेगा रैप हम लोग का। रैप को देंगे 10 की पैडिंग सभी साइड से। देन लेके आएंगे लिस्ट व्यू, इसमें रखते हैं लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, कंटेनर। कंटेनर को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, अब कंटेनर के अंदर हम लोग ले लेंगे एक रो, रो को मैं पैडिंग देता हूँ 10 की, और रो के अंदर रहेगा एक कॉलम और एक इमेज। इमेज इतनी बड़ी नहीं रहेगी, इसको मैं करता हूँ छोटा सा। वैसे इमेज का कोई ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे, हटाओ इसको, जो फालतू में जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको क्यों रखना। यहाँ पे मैं कोर्स का टाइटल डाल, सॉरी टेस्ट का मैं टाइटल डालता हूँ, किस तरह का टेस्ट है ये। एक मिनट, मैंने कॉलम भी साथ हटा दिया है। हाँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ टेस्ट का टाइटल। क्लटर फ्यूज़न टेस्ट सीरीज 1 इम्पैक्ट ऑफ क्लटर फ्रेमवर्क ऑन द बिजनेसेस ऑन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री करता हूँ इसको मैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से।
एक्सपेंड कर देता हूँ फुली इसको, ठीक है, ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा इसको नीचे करना है, यहाँ पे हमें डालना क्या है, एक सब टाइटल भी डालना है। इसका मैं साइज करता हूँ 18, ये रहेगा हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। इसकी साइज रहेगी अराउंड 13 के, ये रहेगा साइड में, मतलब यहाँ पे रहेगा, साइड में रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा हमारा ये, ठीक है। और यहाँ पे आप सब टाइटल ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे सब टाइटल हो जाएगा इसका। और एक रो ले लेते हैं यहाँ पे नीचे, कोई बात नहीं, कंटेनर को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। इसमें भी रैप डालता हूँ, किस लिए डालना है, हमें टाइमर लगाना है, और क्या लगाना है, कितने टाइम का ये टेस्ट होगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो सारी चीज़ें। एक काम करता हूँ, मैं उसे कॉपी कर लिया ना, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, 3 आवर्स का है, 3 आवर्स, 3 आवर्स, राइट, ये टाइमिंग 3 आवर्स की है। 1 मिनट इसको इधर करना है, मैं पैडिंग देता हूँ यहाँ पे, इसको इधर कर देते हैं, पैडिंग हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी पैडिंग हटाता हूँ। 3 आवर्स का है, टेस्ट कलर मैं इसको करता हूँ, वैसे ये ग्रीन येलो खराब लगेगा यहाँ पे, नहीं टाइमिंग का तो रेड कलर से ही रखते हैं, इसको रेड कलर ही में रखता हूँ मैं। 3 आवर्स का टाइमिंग है, पैडिंग देते हैं 2 का, थोड़ा सा इसको कम करें, 18, सही है, 3 आवर्स का है। वैसे इधर रहता है कि इधर रहता है, वैसे चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, इसको डुप्लीकेट करते हैं इसको, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको मार्क कट कर देता हूँ, इसको ये वाला चीज़ हटाते हैं यहाँ से, नेगेटिव में आते हैं, माइनस नहीं है, नेगेटिव, मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में अगर देखें, नेगेटिव से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जी करते हैं नेगेटिव में, अगर माइनस का हो जाए साइन हमारे पास, इसको ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यस, मतलब माइनस मार्किंग है इसमें, इधर ही रखते हैं इसको भी, पैडिंग देते हैं 20, अराउंड 10 की, इसको सबसे ज़्यादा कर देते हैं इस साइड, माइनस मार्किंग है। मैक्सिमम नंबर भी रखाना है हमको, दिखाना है यहाँ पे, तो मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसको, और 10 की पैडिंग इधर भी देते हैं, मैक्स लिखते हैं यहाँ पे, मैक्स अगर मिल जाए हमें मार्क, क्लास, एक मिनट मैं बुक लिखता हूँ यहाँ पे, बुक का ये रहेगा हमें, ठीक है, कितने का मार्क रहेगा ये, मान लो 100 नंबर का है, 100 मार्क्स, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब इसको मैं कर देता हूँ इस साइड, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे स्टार्ट वाली चीज़ डालनी है, तो स्टार्ट के लिए मैं आता हूँ रो में, रो के अंदर मैं एक डाल देता हूँ, क्या यहाँ पे ऐड विजिट कहाँ गया, ये रहा, इसमें आते हैं और बटन ले देते हैं एक, यहाँ पे बटन, इसमें आता हूँ फिर से, रो में आते हैं, ये वाले रो में नहीं, वो वाले रो में नहीं, इधर आ जाओ, नीचे आना यहाँ पे, ये वाला जो रो है, ये वाला रो, ठीक है, यहाँ पे हमें बटन ऐड करनी है, तो बटन लिखते हैं यहाँ से,
ये इधर आ गया बटन, थोड़ा सा साइज इसको नीचे करें कि काफ़ी सही लगेगी। बटन लिखते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक है स्टार्ट रहेगा यहाँ पे, स्टार्ट हो गया। और ये भी प्ले वाला ही आइकॉन रहेगा यहाँ पे। चलो इतना बन के हमारा रेडी हो गया है। कंटेनर को हम थोड़ा सा देते हैं बॉर्डर रेडियस 20 का, एलिवेशन अगर आप देना चाहो तो एलिवेशन दे सकते हो आप, जैसे मैं 2 का दे देता हूँ। इसको हाइड करते हैं यहाँ से, कंटेनर को डुप्लीकेट करता हूँ मैं। शायद ये फिर से हैंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। सेव करता हूँ मैं दोबारा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर से इस पे आता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। और जो लिस्ट व्यू हमारा है ये वाला, लिस्ट व्यू के अंदर मैं आइटम स्पेसिंग करता हूँ 20 की, जिससे ये आराम से स्पेसिंग हो जाएगी इसकी। ये देखो कुछ इस तरह से लगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर में ज़्यादा गैप हो गया है इसका, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है कुछ इस तरह से दिखेगा अभी ये। वैसे वो वाला सेव नहीं हुआ है मुझे लगता है, ये जो पैडिंग दिया है हमने, नहीं ये पैडिंग सेव नहीं हुई है। तो इसको मैं काम करता हूँ, फिर से लिस्ट व्यू में आता हूँ। 20 की पैडिंग थी, यहाँ से सेव करते हैं। ठीक है फिर से यहाँ पे आता हूँ। और यार सेव नहीं हो रहा है, क्यों ये? मैं फिर से एक बार इसको करता हूँ, यार सेव तो हो जाना चाहिए था इसको। अभी तक 20 की पैडिंग देता हूँ मैं इसको, सेव करते हैं। सेव हो गया राइट। चलो हम लोगों ने यहाँ तक बना लिया है, ठीक है अब हमें क्या करना है कि स्क्रॉलेबल थोड़ा सा ऑन कर देना है। जैसे मैं इसको अगर इतना बड़ा करता हूँ साइज, तो ये गायब हो गया है यहाँ पे, ठीक है स्क्रॉल नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो हमने ये रैप बनाया है ना वो फुल्ली एक्सपेंडेड साइज में है, ठीक है, और उसकी वजह से आपका स्क्रॉलेबल का एयर दिखाएगा। जैसे ये आपका डैशबोर्ड कॉलम जो है, मतलब ये वाला जो कॉलम है, ये इशू थोड़ा सा दिखाएगा। तो स्क्रॉलेबल अगर आप जब ऑन करोगे तो दिखा रहा है कॉलम कैन नॉट बी सेट टू स्क्रॉलेबल इफ़ इट्स चाइल्ड दैट इज एक्सपेंडेड, मतलब ये चीज़ जो आपका एक्सपेंडेड है रैप है, तो आप इसका एक्सपेंशन बंद करना और एक बार फिर से ट्राई करना। आप इसको जब ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब क्या है कि ये आपका थोड़ा सा डाउन आ गया है। ये एक्चुअली हुआ क्यों है, क्योंकि आपका जो रो था ना वो एक्सपेंडेड था, जिससे दिक्कत हो रही थी। इसलिए आप रो को चाहो ऐसे कर दो, ठीक है, या तो इसी पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस पे रहने दो तो रहने दोगे तो एक फ़ायदा होगा। जैसे मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ, मान लो साइज़ भी बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है, तो ये सही रहेगा, कोई इशू नहीं फेस हो आपको, मतलब कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा ये। तो इसमें आते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे ये हमारा रो है, रो को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ऊपर, जिससे ये होगा कि ये आपका इस साइड आ गया। इसको इधर करते हैं, ये आपका अभी तक सेंटर में था तो इसको मैं इधर कर दिया हूँ। ये आपका कार्ड है, जो कि मुझे लगता है ये भी एक्सपेंडेड ही होगा, इसलिए मैं इसको, नहीं ये इधर नहीं जा पाएगा। और ये आपका रो जो है वो एक्सपेंडेड नहीं, मिनिमम साइज़ भी नहीं ले पाएगा ये। चलो कोई बात नहीं, इसको इधर कर देते हैं। और इसको अगर मैं फिर से अपने साइज़ पे लेके आऊँ तो ये काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। अब जब आप इसको एक्सपेंड स्क्रॉल करोगे तो ये आराम से स्क्रॉल होगा। जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है उसको देख लेते हैं। विजेट रैप इज सेट फ्लेक्सिबल बट इट्स इज इन कॉलम विद अनबाउंड हाइट। ओके रैप को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, फ्लेक्सिबल है लेकिन अनबाउंड हाइट में, तो ठीक है भाई इसको भी तुम इधर कर लो। और आप जो इस कॉलम है इसको आप स्क्रॉलेबल ऑन कर दो, ठीक है। आप ये मॉनिटर साइज पे भी आप चेक कर लो, कुछ इस तरह से दिखाएगा। अगर ये थोड़ा सा इश्यू कर रहा है, मतलब ये इतना बड़ा साइज ले ले रहा है यहाँ से, तो चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ डिज़ाइन का थोड़ा सा चेंज करके आपको, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे क्यों आप इस कैसे आप इसके साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा अंदर करता हूँ, इधर करता हूँ, ठीक यहाँ तक हो गया। चलो ये सही है।
और मैं प्रीव्यू करता हूँ इसका। अब ये प्रीव्यू में जब स्क्रॉल करोगे तो ये आराम से स्क्रॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं दिखाएगा आपको यहाँ पे। चलो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।